हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ किया सेठ एरोमाथेरेपी के प्रोडक्ट के रिव्यू करने के लिए। किया सेठ एरोमाथेरेपी कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के फेमस ब्रांड है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल 0% भी नहीं है और हमारे हेयर और स्किन के लिए 0% भी हार्मफुल नहीं है। हम सब लोग आँख बंद करके किया सेठ एरोमाथेरेपी के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रोडक्ट क्या है। आज का प्रोडक्ट है किया सेठ एरोमाथेरेपी ऑयल बैलेंस्ड शैम्पू फॉर नरिश्ड एंड वॉल्यूम हेयर। देखिए ऐसा ही पैकेजिंग में है, प्लास्टिक का कंटेनर है। तो ये शैम्पू देखने के बाद हमारे मन में तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। एक, इसका प्राइस कितना है, और मार्केट में इतने सारे किया सेठ का शैम्पू का रेंज रहते हुए ये क्यों आए हैं, और साथ ही साथ इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगी। वीडियो को एंड तक देखना और कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। किया सेठ एरोमाथेरेपी ऑयल बैलेंस्ड शैम्पू, फर्स्ट मैं बता देती हूँ प्राइस है 225 रुपीज, और इसका शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। 225 रुपीज में 200 ml शैम्पू, एरोमाथेरेपी बेस्ड शैम्पू, ऐसा नहीं है केमिकल प्रोडक्ट है। तो ये मेरे हिसाब से एकदम पॉकेट फ्रेंडली एक प्रोडक्ट है, और प्लास्टिक का कंटेनर है तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। ट्रैवल का टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग इसको कैरी कर सकते हो। इसके बाद मैं बता देती हूँ कि इसका बेनिफिट क्या क्या है। कई कबार ऐसा हो जाते हैं कि हमारे हेयर बहुत कम रहते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे हेयर इतना ऑयली है कि सुबह शैम्पू किया शाम में ऐसे चिपचिपा सा दिखते हैं। और उसके साथ साथ कई कबार ऐसा भी हो जाते हैं कि शैम्पू किया लेकिन फिर भी हेयर में जो वॉल्यूम आना चाहिए वो नहीं आ रहे, कैसे चिपचिपा सा, कैसे डल दिखते हैं। तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम का सलूशन है किया सेठ एरोमाथेरेपी ऑयल बैलेंस्ड शैम्पू। ये शैम्पू यूज़ करने से, एक बार यूज़ करने से आप लोगों को पता चल जाएगी कि ये काम कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग बाहर जाने का ज़रूरत भी नहीं है, घर में रहते हुए भी हेयर ऑयली हो जाते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि क्या करो, और ये ऑयल से डैंड्रफ भी आ जाते हैं। तो ये पूरा के पूरा प्रॉब्लम का सलूशन ये शैम्पू है, क्योंकि हेयर को क्लीन करना सबसे फास्ट ज़रूरी है। अगर आपके हेयर क्लीन है तो डैंड्रफ नहीं आएगी, और डैंड्रफ नहीं आएगी तो बाल झड़ने का चांसेस नहीं रहेगी। हेयर को क्लीन करने के लिए एक सूटेबल शैम्पू चूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हेयर बहुत ही डल है तो ये शैम्पू आपके लिए बेस्ट है। कई कबार हमारे हेयर ऐसा हो जाते हैं ना चिपचिपा सा कि कहीं भी जाने से मन दुखी हो जाते हैं कि कहाँ जाऊँ, क्या स्टाइल बनाऊँ, क्योंकि अभी बाल में स्टाइल करना ये तो एक फैशन आ गए है, वो तो करनी ही पड़ेगी। तो इस हिसाब से ये शैम्पू यूज़ कर लीजिए, और सामने आ रहे हैं दुर्गा पूजा, तो उस टाइम में अगर आपके बाल को हेल्दी बाउंसी वॉल्यूम दिखाना है तो ये शैम्पू यूज़ करने से उस सारे के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगी। और एक बात, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के लिए मैं बताऊँगी कि इसको डायरेक्ट मत यूज़ कीजिए। एक मग में पानी ले लीजिए, उसके बाद शैम्पू ले लीजिए, जितना क्वांटिटी आपको चाहिए, लेकिन ये बहुत ही कम लगते हैं, बहुत ही कम से बहुत ज़्यादा फोम कर देते हैं, तो ध्यान में रख के ले लीजिए। उसके बाद हेयर को वॉश कर लीजिए, उससे आपका हेयर बहुत ही हेल्दी हो जाएगी और बाउंसी एक वॉल्यूम क्वांटिटी आप लोगों को मिल जाएगी हेयर की। और आप लोग चाहे जो भी स्टाइल चाहिए वो कर लीजिए और एंजॉय कीजिए सामने दुर्गा पूजा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे मेरे ये किया सेठ एरोमाथेरेपी ऑयल बैलेंसिंग शैम्पू का रिव्यू तो मेरे चैनल को एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर।